जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए। जिंदगी का क्या भरोसा, भरोसा सिर्फ गुरु जी पर होना चाहिए। जिंदगी का क्या भरोसा, भरोसा सिर्फ गुरु जी पे होना चाहिए। जब सर पर मुसीबत हो प्यारे, गुरु जी के चरणों में रोना चाहिए। किसी और के आगे क्या रोना, हम दर्दी झूठी दिखाएंगे। किसी और के आगे क्या रोना, हम दर्दी झूठी दिखाएंगे। रख एक सहारा गुरुजी का, बस तुझे आकर गले लगाएंगे। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपके साथ बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी सुमन आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से जरूर सुने। आप यकीन मानिए संगत जी, किसी भी घड़ी किसी भी समय आपको गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ और पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ। संगत जी, तो आइए गुरुजी के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, मैं सुमन दिल्ली से बोल रही हूँ। गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपने संगत परिवार के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज और संगत परिवार से सबसे पहले हाथ जोड़कर माफ़ी कि हर बार शुक्राना सत्संग शेयर करने में मैं लेट हो जाती हूँ, साथ साथ गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग शेयर नहीं कर पाती और कुछ ब्लेसिंग भूल भी जाती हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज की महिमा देखिए संगत जी, टेलीपैथी से या कोई सत्संग सुनाकर गुरुजी महाराज याद दिलाते हैं, कुड़िए आ भी रह गया, ओ भी रह गया, शुक्राना कर। मैंने आप सब के साथ बर्थडे का सत्संग शेयर किया और बताया था कि उस दिन मेरे लिए ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन था। सत्संग तो गुरुजी के चरणी लगने के बाद से हमारे साथ रोज़ ही होते हैं। बर्थडे से नेक्स्ट मंडे मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी के दर्शन करने जाना था। मैंने अपने अंकल अपने पहले सत्संग में आप सब से शेयर किया कि हमारी कोशिश रहती है कि हम एवरी मंडे गुरुजी महाराज को मिलकर आएं। मेरे अंकल तो ज़रूर जाते हैं, मेरा कभी कभी जाना नहीं हो पाता। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। मंडे मॉर्निंग हम लोग जब उठे, सबसे पहले हम लोग उठकर गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड लोटे का जल पीते हैं, फिर चाय पीते हैं। मैं रोज़ तो मंदिर नहीं जा पाती, पर गुरुजी महाराज की आज्ञा से एवरी मंडे मंदिर ज़रूर जाती हूँ। सोचती हूँ डेली जाऊँ, पर आलसी बहुत हूँ। लेकिन मैंने अपने अंदर ये तब्दीली देखी है, गुरुजी मंडे को ज़रूर ज़रूर भेजते हैं। मेरे अंकल ने पूछा आज चलेगी मंदिर, तो मैंने कहा गर्मी बहुत है, अभी बर्थडे वाले दिन मिलकर आए हैं, आप चले जाओ। संगत जी, मैं नहा धोकर मंदिर गई, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, सभी देवी देवताओं को नमस्कार किया और वहाँ 10-15 मिनट बैठती हूँ, मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके आती हूँ। माफ़ी भी मांग कर आती हूँ, हमारे जीवन में हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, भोले बाबा मुझे माफ़ करना और मुझे और मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना। माफ़ी शब्द बहुत छोटा होता है, पर मुंह से निकलते हुए हमारी ईगो से बड़ी हो जाती है। वैसे तो रोज़ सुबह उठते ही मैं मंत्र जाप लगाती हूँ और गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़ कर खड़ी होती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो जिसका हमें ज्ञान ना हो, हमें माफ़ करिएगा और सदा अपने चरणों में रखना। और मैं आपकी छल्ली बेटी हूँ, अपनी बेटी से कभी नाराज़ ना होना, हमेशा हमें सही राह दिखाना। ये नाम मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है, तू मेरी चल्ली थी हैं, ते मैं तेनू रूलन नहीं दे सकता, तू मेरी मुट्ठी पर संगति च है, तू हमेशा खुश रहा कर। शुक्राना गुरुजी महाराज अपनी चल्ली तीनू संभालन दा,
लख लख शुक्राना। जब मैं मंदिर से वापस आ रही थी संगत जी, गुरुजी महाराज बटरफ्लाई के रूप में मेरे अंग संग चल रहे थे। मुझे लाइट येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में सुबह सुबह दर्शन हुए। गुरुजी महाराज की कॉलिंग थी तीए मैनू मिलना। घर आकर मैंने अपने अंकल को कहा मैं भी चलूँगी। हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया गुरुजी महाराज के साथ, गुरुजी महाराज को भी साथ लिया। और हम उनको क्या साथ लेते हैं संगत जी, हम कौन और हमारी क्या औकात कि हम उनको साथ लें। वो ही हमें अपने साथ लेकर जाते हैं, हर काम को अंजाम देते हैं हमारे गुरुजी। हम आज्ञा लेते वक्त घर से बाहर निकलते हुए बोलकर चलते हैं गुरुजी साथ चलिए और साथ ही वापस आइए अपने घर। हम लोग निकले, मेट्रो से छतरपुर पहुँचे, ऑटो लिया और उस दिन ऑटो वालों को पीछे पीछे रोड से नहीं जाने दिया, फ्रंट रोड से ही जाने दिया। और बिल्कुल गेट के आगे ऑटो वाले ने उतारा हमें। गुरुजी महाराज की मर्ज़ी थी। और जैसे बर्थडे वाले दिन मुझे डबल नंबर की और ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग मिली थी, मंडे को भी मुझे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स मिली। और इस बार चाय प्रसाद हमें स्टील के ग्लासेस में मिला। वो ग्लास ऐसा था, बाहर से पकड़ने पर बिल्कुल भी गर्म नहीं था, मगर उसके अंदर चाय काफ़ी गर्म थी। ये बात मैंने और मेरे अंकल दोनों ने महसूस की थी और एक दूसरे से शेयर भी की। गुरुजी को हर बार मैं बोलती हूँ गुरुजी आ गई तुहाडी चली थी तुहानू मिलन, तुहाडी ब्लेसिंग लैन। गुरुजी तुसी ठीक हो ना, सारे संसार दे कष्ट अपने उत्ते लैंदे हो, तुसी किसी भी सेवा दे लायक सानू समझो, अपनी धी नू समझो ते जरूर देना, जरूर याद करो। और फिर बड़े सोहने दर्शन होए, फिर लंगर हॉल में बैठकर हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद लिया। फिर एक बार दिल ने चाहा एक बार थोड़ा प्रसाद और मिल जाए, तो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला भी, जो हम दोनों ने मिलकर खाया। गुरुजी महाराज के इतने ब्यूटीफुल दर्शन हुए कि उसकी व्याख्या करना हमारे शब्दों के बस की बात नहीं। जो भी संगत जाए वहाँ उस सुकून को अपने दिल से महसूस करे, रूह को छू लेने वाला सुकून मिलता है वहाँ। और वहाँ से वापस आने का मन तो कभी नहीं करता, ऐसा लगता है गुरुजी महाराज के सामने बैठे और कोई भी सेवादार उठने को ना कहे, लेकिन गुरुजी महाराज की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और इतनी संगत आती है, अकेले हम तो सेल्फिश नहीं हो सकते, दर्शन तो सभी ने करने हैं। और गुरुजी महाराज की एक झलक के लिए सारी संगत तरसती है। शुक्राना गुरुजी महाराज अपने पास बुलाने का, अपने दर्शन देने का, अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाने का लख लख शुक्राना। आपकी इस एक झलक के दीवाने हैं हम। शुक्राना 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 बेअंत शुक्राना। वहाँ से वापस आते हुए मुझे गुरुजी महाराज ने 4x7 की ब्लेसिंग दी। पहली बार मुझे 4x7 की ब्लेसिंग मिली थी उस दिन। शुक्राना गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी July 1st से मुझे गुरुजी महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि 13 जुलाई को अपने घर सत्संग कर। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था गुरुजी महाराज का, सत्संग कर, मैं तनु ब्लेसिंग्स देनिया ने। मेरा मन डावाडोल था गर्मी की वजह से, लेकिन 11th जुलाई को मेरा मन बड़ा स्ट्रांग हुआ और मैंने अपने अंकल के साथ शेयर की बात, तो वो कहने लगे गुरुजी महाराज की आज्ञा है तो करते हैं। हमने मन बनाया, तैयारी की, और हमने तैयारी क्या की, सब कुछ गुरुजी महाराज ही करवाते हैं। मैंने पहले भी सत्संग में बताया था, हमारी अपनी कॉलोनी में जिस स्ट्रीट में मैं रहती हूँ वहाँ 90% गुरुजी की संगत है। मैंने बहुत संगत तो नहीं बुलाई थी, मुझे और मेरे अंकल और गुरुजी को मिलाकर हम 8 लोग थे घर में। और मैं आप सबको कैसे बताऊं संगत जी कि सोचा सत्संग हुआ, इतना बढ़िया सत्संग हुआ, इतना सुंदर सत्संग हुआ, इतना पीसफुल था वो समा संगत जी, इतना सुंदर सत्संग था। मेरे घर में चूँ की आवाज़ नहीं थी किसी की भी। शुक्राना मेरे गुरुदेव आपको शत शत प्रणाम। अपने साथ हमारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करवाने का आपको तहे दिल से धन्यवाद संगत जी। गुरुजी महाराज कहते हैं घर में लंगर प्रसाद खुद बनाना चाहिए। मैंने लंगर प्रसाद तो रखा नहीं था,
कभी कभी मुझे सारा सत्संग का अरेंजमेंट करने में बहुत थकान हो जाती है और फिर मैं सत्संग में आराम से नहीं बैठ पाती। मैंने टाइमिंग्स भी ऐसे रखे थे, मेरे गुरुजी महाराज को पता है, उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, तैयारियां तो वो खुद ही हाथ पकड़ कर करवाते हैं। जब मैं घर से निकली फ्लावर्स लेने के लिए तो मौसम गर्म था, मैंने फ्लावर्स लेकर बीकानेर वाले की शॉप पर पहुंची, वहां से मैंने नारियल बर्फ़ी ली वाइट कलर की, और फिर जब मैं समोसा प्रसाद लेने के लिए पहुंची तो वहां बहुत बारिश शुरू हो गई थी। गुरुजी महाराज ने मौसम बहुत अच्छा कर दिया था, मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। थोड़ा संगत को ऐसे मौसम अच्छा फील हो, सब आराम से बैठे, घर पहुंचकर सारी तैयारी की मैंने और मेरे अंकल ने गुरुजी महाराज की गद्दी लगाई। मैं सत्संग वाले दिन ही गुरुजी महाराज की गद्दी लगाती हूँ या फिर किसी फेस्टिवल पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उनका चोला बिछाती हूँ। फ्लावर्स डेकोरेट किए जाते हैं, जोत की तैयारी होती है, कड़ा प्रसाद बनता है। संगत जी, एक बात आपसे शेयर करती हूँ जो करना भूल गई थी। मैंने महसूस किया है जब भी घर में सत्संग होता है, मेरे अंकल चाय प्रसाद बनाना और सारी संगत का ख्याल रखना, बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, महसूस करते हैं कि किसी को किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि सुबह की चाय का उनका रूटीन है। मेरे अंकल का गुरुजी महाराज को चाय देने का ये हमारा एक नियम बन गया है। मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं हम पर, हमारे परिवार पर। देखिए एक एक करके अपने साथ कैसे जोड़ लिया। कहते हैं ना कि फैमिली का एक मेंबर जाने से पूरी फैमिली ब्लेस होती है, और कोई माने या ना माने, गुरुजी को पता है कैसे बुलाना है। सब कुछ उन पर छोड़ दो, आज नहीं तो कल वो फैमिली मेंबर अपने आप चलकर जाएगा गुरुजी महाराज के पास। शुक्राना गुरुजी, सत्संग की ब्लेसिंग्स देने का। बहुत सुंदर सत्संग कंप्लीट हुआ। दोपहर को 3 से 5 का टाइम रखा था हमने, और सत्संग के बीच में सबको हमने चाय दी, और चाय के साथ कुछ नहीं दिया। सत्संग कंप्लीट होने के बाद चाय के साथ समोसा प्रसाद, बर्फ़ी प्रसाद और बिस्किट प्रसाद दिया। गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग मिली हमें। मेरे गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है। संगत जी, मुझे मैसेज मिल रहे थे चाय प्रसाद खाली पिलाओ। सत्संग में गुरुजी महाराज ने चाय को साथ कभी भी कुछ नहीं देने के लिए बोला, और लंगर प्रसाद में एक दाल और एक सब्जी ही ब्लेस की है, क्योंकि गुरुजी महाराज की बहुत सारी संगत ऐसी है जो ये सोचकर सत्संग नहीं करवा पाती कि बहुत एक्सपेंसिव है गुरुजी महाराज का सत्संग करना घर पर। मैंने फर्स्ट डे से फॉलो की है ये बात, हम ध्यान रखें गुरुजी महाराज की बात, और गुरुजी महाराज भी सत्संग में जब आएँ वो खुश हों और उनकी ब्लेसिंग सबको मिले, सबको मिले। संगत जी, जिस वक्त हमने प्लेलिस्ट शुरू की थी, पहला शब्द अभी आधा ही हुआ था, तो गुरुजी महाराज की मोर की आवाज़ के रूप में ब्लेसिंग्स मिली। बहुत तेज़ आवाज़ आई और फिर सत्संग समाप्त होने तक आवाज़ आती रही। मैंने मन ही मन गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। सत्संग कंप्लीट होने पर मैंने संगत को कहा, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लेते वक्त सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज की ही का ही सत्संग करें और उनकी बात करें, और कोई बात शेयर न करें, क्योंकि गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं उस वक्त घर में गद्दी पर जब भी सत्संग होता है। संगत ने फॉलो की हर बात और बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली सत्संग की समाप्ति हुई। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत ब्लेसिंग मिल रही हैं मुझे, बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे। गुरुजी कहते हैं मैं ही संगत का ख्याल रखना है, घबराया ना करो, बस शुक्र करया करो, और उम्मीद सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से रखो, किसी और से ना रखो। गुरुजी का एक मैसेज ये भी था कि खुशियों की कश्ती में बैठ कर आ रहा हूँ तेरे घर की नैया पार लगाने, मेरा इंतज़ार करी। गुरुजी कहते हैं पुत्र, हाथी लंघ गया है, हूँ सिर्फ पूँछ रह गई है, घबरा ना, तेरा प्यो तेरे नाल खलोता है, हर कदम ते तेरी जीत होएगी। शुक्राना मेरे दात्या, लख लख शुक्राना गुरुजी। अपनी धी दा दिल नालों ख्याल रखन दा, हर छोटी छोटी गल सुन के पूरा करन दा, हर ख्वाहिश पूरी करन दा, थैंक यू गुरुजी। बस अपने चरणा विच रखना, अपने बच्चियां नू तुहाडा आशीर्वाद चाहिदा हैगा, और
गुरुजी का एक और मैसेज भी मुझे मिला कि ना कर चिंता परिवार दी, ना कर चिंता कारोबार दी, सब कुछ देन वाले बैठे ने तेरे गुरुजी, तू कदी नहीं सोचिया होएगा, वो काम भी तेरे बन जाएंगे। गुरुजी कहते हैं मेरी बच्ची रास्ता सही है तेरा, तू मेरे सारे टेस्टा इंच पास हो गई हैं, जिन्हें तेरे काम रुके हुए सी सारे हुन बन जाने ने, हौसला रखी ते नाले ऐश कर मेरी तीए, जद भी तेरी गल कोई ना सुने मेरे स्वरूप दे अग्गे बैठ के बोल, मैं सुनना वा। और संगत जी ये सच बात है, मैं घर में गुरुजी के साथ होती हूँ, चलते फिरते काम करते करते मैं गुरुजी महाराज के साथ घर में बहुत सारी बातें करती हूँ, मेरे फादर घर में बैठे हैं मेरे साथ, वो मेरी हर बात सुन रहे हैं, सुनते हैं, फिर जवाब टेलीपैथी से, सत्संग से या गुरबानी से सुनने को मिल जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हमारी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारा ख्याल रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज की बड़ी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी होती है मेरे साथ। एक मैसेज और भी मुझे मिला, अब वो वक्त आ गया है जब तेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली हैं, तुझ पर हंसने वाले तेरी तरक्की से जल लेंगे, जल मरेंगे, कल्याण किता जा ऐश कर। गुरुजी महाराज आपका हर पल मेरे हर श्वास से शुक्राना, क्या शब्द इस्तेमाल करूँ मुझे समझ नहीं आता, पर जितना भी आता है आप मेरा शुक्राना स्वीकार करें, अपने चरण कमलों में रखें सदा। संगत जी मैं कहती हूँ हर वो इंसान जो गुरुजी महाराज से जुड़ा है वो भाग्यशाली है, क्योंकि संगत जी हमें सिर्फ इस जन्म में ही नहीं हर जन्म में गुरुजी महाराज से जुड़े रहना है, हमें हर जन्म में उनकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है। और आप सोचो अपने कष्ट और सख्त कर्मों को गुरुजी महाराज के साथ रहकर कटवा कर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी कितनी ब्यूटीफुल होने वाली है। संगत जी मुझे एक मैसेज और भी गुरुजी का मिला, तेरे अपने रिश्तेदार ही तेरी तरक्की तो खुश नहीं है गे ने, कमले तू हजे भी नहीं उन्हां नूं समझ पा रहा, कोई भी काम कर किन्नी भी तरक्की कर पर कदे भी किसी नूं ना दसी, वो तेरा चंगा नहीं चाहते, मेरा आशीर्वाद तेरे नाल है ते ना ले जाके ऐश कर। संगत जी ये मैसेज पढ़कर मैंने गुरुजी से उसी वक्त बात की, गुरुजी मेरी तो अब किसी भी रिश्तेदार से बात नहीं होती, सारे नेगेटिव लोग और टॉक्सिक लोगों को आपने मेरी लाइफ से निकाल दिया है, अब तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, सिर्फ एक सिस्टर से बात होती है क्योंकि वो माँ को संभालती हैं और उनकी हेल्प के लिए मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि माँ तो मेरी भी है और वो अकेले नहीं संभाल पाती हैं, और मैं उससे ज़्यादा पर्सनल नहीं होती हूँ। जब से आपने मुझे समझाया है, आप देखो कौन है मेरी लाइफ में, अगर कोई है तो उसे आप ही देखो गुरुजी महाराज, उसे भी दूर कर दो जो मेरी लाइफ की डिस्टर्बेंस बना हुआ है। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी ब्लेसिंग से मुझे निहाल कर दिया है। एक बहुत खूबसूरत मैसेज और भी मिला, मुझे तेरे बच्चों को मेरे आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है, आज तेरे एक शुक्राना करते ही तेरे बच्चों के सिर पर मैं अपना दिव्य हाथ हमेशा के लिए रख दूंगा और उनके जीवन में बहुत तगड़ा बदलाव आने वाला है, थोड़ा सब्र रख फिर देख कैसे कैसे कमाल होंगे, टाइम आ गया है जा ऐश कर। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, आपको उनकी कौन सी ब्लेसिंग्स बताऊं और कौन सी नहीं, डेली मुझे बहुत ब्लेसिंग मिलती हैं, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका लख लख वार शुक्राना। अंत में अपना सत्संग को मैं विराम देने जा रही हूँ, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी महाराज के साथ सारी संगत परिवार भी मुझे माफ़ करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।